हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपको लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 सम नंबर 7। फाइंड डिवाइड बाय मैं डीएक्स है। फाइंड डिवाइड बाय मैं डीएक्स इफ है तो y इज इक्वल टू log of x की पावर x प्लस x इनटू log x। गाइस ये है तो इसका डेरिवेटिव निकालना गाइस आपने। सबसे पहले गाइस आप इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू में u प्लस v। y इज इक्वल टू में u प्लस v वे हर है। u इज इक्वल टू log x की पावर x एंड v इज इक्वल टू x ऑफ log x। ये गाइस ठीक है। अब गाइस अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा dy by में dx। dy by में dx ये हो जाएगा du by में dx प्लस ये हो जाएगा dv बाय में dx। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी ठीक है ना। अब गाइस ये जैसे u है भाई ठीक है ना, क्या ये u है तो u का डेरिवेटिव निकालना अपने ठीक है ना। तो u का डेरिवेटिव निकाल लेंगे भाई ठीक है ना। तो u लिखा हमने बिहर u इज इक्वल टू u की वैल्यू थी भाई log x की पावर x, log x की पावर x ये भाई ठीक है। इसमें टेकिंग log ऑन बोथ साइड करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा log u, log u हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू में log ऑफ x, x इंटू में log ऑफ log x, log ऑफ log x ये हो जाएगा भाई। पावर आ जाएगी तो अब आप गाइस इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या कर देंगे भाई डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो डेरिवेटिव कैसे बनेगा, log u का 1 ओवर में u इंटू में du बाय में dx इज इक्वल टू में, हाँ जी ये इसकी एंगल हो गई, मतलब ये दो फंक्शन हो गए भाई, मतलब फर्स्ट एज इट इज इनटू में सेकंड का डेरिवेटिव log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में log x, इनटू में log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस है log ऑफ log x एज इट इज इनटू में x का गाइस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा भी 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल गाइस जैसे x ही तो x कट जाएगा यहां पे, तो du / dx क्या बन जाएगा भाई, du du by में dx is equal to में, हाँ जी du by में dx is equal to में u जैसे कहीं ऊपर जाएगा, u by कहीं ऊपर जाएगा, u की वैल्यू भी रख देंगे जैसे log x है, u की वैल्यू क्या है log है x की पावर है x into में गाइज 1 upon में log x है प्लस है 1 upon में log x प्लस है log of है log of log है x है log of log x गाइस। ये आपने निकाल दिया du by में dx। अब गाइस आप बनाएंगे d by dv by में dx बना लेंगे, क्या बनाएंगे भाई dv by में dx बनाएंगे गाइस। सही है हां जी गाइस, अब देखते हैं आगे। उसके लिए हम सबसे पहले लेके चलेंगे v, क्या लेके चलेंगे भाई v लेके चलेंगे। तो वेयर v इज इक्वल टू v की वैल्यू है भाई x है इनटू में log x, x इनटू में log x है। अब गाइस इसका डेरिवेटिव अब कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, जैसे v का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dv by में dx, ये वाला फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा log x का हो जाएगा 1 upon में x प्लस log x एज इट इज log x एज इट इज इनटू में x का हो जाएगा 1 ठीक है गाइस। जैसे ये वाला तो कट जाएगा, कुल मिलाकर ये वाला बन जाएगा भाई dv by में dx क्या बन जाएगा 1 है प्लस है log x 1 प्लस log x बन जाएगा 1 प्लस log x बन जाएगा। तो हेंस dy by में dx, हेंस dy by में dx is equal to में 1 प्लस log x, पहले तो ये लिखेंगे ना, पहले क्या लिखेंगे गाइस, पहले तो ये लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गई log x की पावर x इनटू में हैंस गाइस इनटू में 1 by में log x प्लस ऑफ है log ऑफ है log x 1 प्लस में 1 log ऑफ log x प्लस है 1 प्लस log x प्लस है 1 प्लस है
log x, 1 plus log x का x, ये वाला भी, ठीक है। तो जैसे गाइस अब ये चीज है ना, ये चीज तो इसके बाहर भाई, ठीक है ना। अब आप क्या करते गाइस, हम आंसर में यस गाइस, जब हम गाइस आंसर मैच करने लगे गाइस, तो हमने क्या करा भी गाइस, जैसे यहाँ पर जो सेकंड वाला फंक्शन था ना, जैसे वी वाला था, तो यहाँ पे था एक्स की पावर लोग एक्स था भी, क्या था भाई, एक्स की पावर लोग एक्स था। बट ये सवाल किस तरीके से हो गया, एक्स इंटू लोग एक्स हो गया गाइस, मतलब गाइस वो वाला सवाल अलग हो गया, ये वाला सवाल अलग हो गया, तो इसका आंसर भी कुछ अलग टाइप से आएगा, ठीक है बात ना। क्योंकि यहाँ पर एक्स लोग एक्स है, आपकी मैथ में थी भाई एक्स की पावर लोग एक्स, तो गाइज मैं अब इसको रफ नहीं करूँगा, बाई चांस मान लो भी क्या पता ये पेपर में आ जाए, तो आपको ये वाला सवाल इस स्टेटमेंट को देखते हुए करना है, इसका आंसर भी इसी के अनुसार ही तो आएगा, अकॉर्डिंग आएगा गाइज। तो इसका डेरिवेटिव मैं अभी निकाल देता हूँ, डेरिवेटिव ऐसे निकला पड़ा गाइज, और तो ये वैसे सोल्व होएगा नहीं, ठीक है ना। अगर गाइज एलसीएम भी लेंगे ना, तो ये इसके बाद पड़ा है, ऐसे हो सकता है, कोई बात नहीं, इसका एलसीएम लेंगे भाई, इसका एलसीएम लेने पे गाइस इसका थोड़ा सा और सुधार हो सकता है, डी वाई बाई में डी एक्स क्या पड़ सकता है गाइस, आप इसका एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, लोग एक्स आ जाएगा, लोग एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई खाएगा, ठीक है ना, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इसमें ये सुधार आएगा, लोग एक्स की पावर माइनस वन इंटू में ये आ जाएगा वन है प्लस है लोग ऑफ है एक्स इंटू में लोग ऑफ है एक्स, ये वाला एंगल में था, ठीक है ना। ये तो हो गया पूरा एक वाला फंक्शन, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और प्लस में गाइस ये वाला इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग गाइस ये बना है वन प्लस लोग एक्स, क्या बना भी वन प्लस लोग एक्स, तो ये हो जाएगा वन प्लस लोग एक्स, ठीक है। तो मतलब अब ये वाला सवाल आपका सेवंथ नहीं रहा एनसीईआरटी में, क्योंकि सेवंथ की जो स्टेटमेंट थी हमने गलत निकाल ली थी गाइस, तो ये वाला सवाल आप सवाल मान लो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट का है, मतलब ठीक है ना, मतलब एक अलग हो गया सवाल, ठीक है। तो यस गाइस, आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू।